देखो हेडशॉट नहीं लगता है और सही से बॉडी शॉट भी कनेक्ट नहीं होता है। रीजन एक ही है, मैक्सिमम रिकॉइल। तो रिकॉइल को कंट्रोल करने के लिए कुछ जुगाड़ बताऊंगा जिसे यूज करने के बाद जीरो रिकॉइल होगा, मींस रिकॉइल का नामो निशान मिट जाएगा। और तो और अभी तो दशा कैटर को भी यूज नहीं कर सकते हो, उसका भी एबिलिटी चेंज हो चुका है। पहले दशा 20% रिकॉइल कम करती थी, थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता था, बट अब नहीं। तो वीडियो के एंड तक देखो, 5 बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो देन जल्दी से कर लो, इसी तरह इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर वीडियो मिलता रहेगा। ओके, ट्रिक नंबर 1, यूज प्रॉपर अटैचमेंट। कुछ ऐसे अटैचमेंट है जिसे यूज करने के बाद गन ज्यादा रिकॉइल नहीं करेगा। फोर ग्रिप, बाइपॉड, ये दोनों अटैचमेंट से गन कम रिकॉइल करता है, बट फोर ग्रिप 3 लेवल का है। लेवल 1 फोर ग्रिप से रिकॉइल रिडक्शन थोड़ा कम होगा, लेवल 2 फोर ग्रिप से और थोड़ा रिकॉइल कम होगा, एंड अगर लेवल 3 फोर ग्रिप को यूज करते हो देन लार्ज अमाउंट का रिकॉइल रिडक्शन होगा। तो अगर तुम्हें लेवल 3 का फोर ग्रिप मिलता है देन जरूर उठा लेना। गन मिले या ना मिले, फोर ग्रिप अगर मिलता है पहले देन उसको पहले उठा लेना, गन बाद में मिल जाएगा उसमें अटैच कर लेना। ओके, क्लास कोड में कोई दिक्कत नहीं है, गन के साथ अटैचमेंट पहले से रहता है, बट मैं बैटल रॉयल का बात कर रहा हूँ जिसमें एक एक अटैचमेंट खोज खोज के लगाना पड़ता है। और रिकॉइल को कम करने के लिए और दो अटैचमेंट है, एक तो बाइपॉड एंड दूसरा है मार्समैन फोर ग्रिप। तो तुम फोर ग्रिप की जगह बाइपॉड को यूज कर सकते हो, बट मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि बाइपॉड यूज करके अगर तुम प्रोन या क्राउच पोजीशन में रह के फायर करते हो देन रिकॉइल कम होता है। अदरवाइज स्टैंडिंग पोजीशन में रह के फायर करोगे तो नॉर्मल फोर ग्रिप बेस्ट है, बाइपॉड कुछ काम का नहीं है। देन एक और अटैचमेंट है मार्समैन फोर ग्रिप, ये भी रिकॉइल कम करता है, उसके साथ साथ रेट ऑफ फायर एंड स्कोपिंग स्पीड इंक्रीज करता है, बट ये अटैचमेंट सिर्फ और सिर्फ मार्समैन राइफल में ही यूज कर सकते हो। तो टोटल 3 अटैचमेंट है, एक नॉर्मल फोर ग्रिप एंड बाइपॉड, ये दोनों अटैचमेंट को तुम सभी वेपन में यूज कर सकते हो एंड मार्समैन फोर ग्रिप को सिर्फ और सिर्फ मार्समैन राइफल में यूज कर सकते हो। ओके, देन ट्रिक नंबर 2, गन स्किन। देखो गन स्किन यूज करके एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हो। तुम्हें पता होगा गन स्किन में अलग अलग एट्रीब्यूट्स होता है, जैसे कि तुम्हारे पास अलग अलग पैंट सेट होता है, ठीक उसी तरह गन स्किन में भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स होता है। किसी में रेट ऑफ फायर इंक्रीज होता है, डैमेज इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ठीक उसी तरह एक्यूरेसी इंक्रीज या डिक्रीज वाला गन स्किन होगा। तो एक्यूरेसी माइनस वाला गन स्किन को यूज नहीं करना है, जिसमें एक्यूरेसी प्लस होगा उसको यूज कर सकते हो जो गन ज्यादा रिकॉइल कर रहा है, जैसे कि UMP, स्कार, AK, इन सब वेपन में तुम एक्यूरेसी प्लस वाला गन स्किन को यूज कर सकते हो जिसमें रिकॉइल कंट्रोल होगा। अगर तुम एक्यूरेसी माइनस वाला गन स्किन को यूज करते हो देन गन पूरा पागल हो जाएगा और एक भी गोली नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत भी अगर लगता होगा तो वो भी और नहीं लगने वाला है। ओके, तो इसीलिए ऑलवेज एक्यूरेसी प्लस वाला गन स्किन को यूज करना। एक और बात है, रेट ऑफ फायर ज्यादा होने से भी गन रिकॉइल करता है, तो इसीलिए एक बार एक्यूरेसी प्लस वाला गन स्किन को यूज कर लेना। अगर अच्छा हेडशॉट लग रहा है देन ठीक है, वरना रेट ऑफ फायर प्लस वाला गन स्किन को भी ट्राई कर लेना। और सभी वेपन में एक्यूरेसी इंक्रीज वाला गन स्किन को मत यूज करना, जो गन ज्यादा रिकॉइल करता है उसमें यूज करना। ओके, और अगर फिर भी गन ज्यादा रिकॉइल हो रहा है, हेडशॉट नहीं लग रहा है, देन ट्रिक नंबर 3 को यूज करो 4-1 मेथड। 4-1 का मतलब है 4 गोली फायर करो देन थोड़ा रुको देन अगेन 4 गोली फायर करो, जैसे कि तुम इस वाले क्लिप में देख रहे हो। अब मैं बोला 4 गोली फायर करो, इसका मतलब ये नहीं है कि 1, 2, 3, 4 ही गोली फायर करना है, तुम 5-6 गोली भी फायर कर सकते हो। इस ट्रिक को अगर तुम प्रॉपर यूज करते हो देन कोई भी वेपन रिकॉइल नहीं होगा, अटैचमेंट गन स्किन का भी जरूरत नहीं है, रिकॉइल बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि गन रिकॉइल तब होता है जब 8-10 बुलेट निकलने के बाद भी तुम फायर करते हो गन रिकॉइल करता है। तो अगर 4-1 मेथड को हम यूज करेंगे देन कोई भी वेपन रिकॉइल नहीं करेगा। ओके, द नेक्स्ट ट्रिक नंबर 4, कैरेक्टर। कुछ कैरेक्टर है जिसे यूज करने से एक्यूरेसी इंक्रीज होता है। फर्स्ट कैरेक्टर है DB, जो 60% एक्यूरेसी इंक्रीज करता है, मतलब सभी गन का 60% रिकॉइल रिड्यूस हो जाएगा, मींस डीबी को यूज करने के बाद ना के बराबर रिकॉइल होगा। और तो और फायरिंग के साथ साथ मूविंग करते हो देन 30% मूवमेंट स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। एक और रीजन है जिसके कारण गन ज्यादा रिकॉइल करता है, एनालॉग बटन, इसको यूज करके फायर करने से गन ज्यादा रिकॉइल करता है। एंड डीबी कैरेक्टर का एबिलिटी है मूविंग करते करते फायर करने से 30% मूवमेंट स्पीड एंड 60% एक्यूरेसी इंक्रीज करता है। तुम अभी एनालॉग बटन को यूज करके मूविंग करते करते भी फायर कर सकते हो और रिकॉइल भी नहीं होगा, मींस कम रिकॉइल होगा। और अगर तुम
स्नाइपर प्लेयर हो या स्कोपिंग करके फायर करते हो देन लॉरा कैरेक्टर को यूज करो, स्कोपिंग करने से 50% एक्यूरेसी इंक्रीज करती है। एनिमी के बॉडी के आसपास भी फायर करते हो देन बुलेट एनिमी को ही लगेगा। ये दो कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा यूजफुल कैरेक्टर है, जरूर यूज करना। ओके देन लास्ट पिक नंबर 5, लो एक्यूरेसी वेपन। कुछ ऐसे वेपन है जिसमें एक्यूरेसी कम रहता है जिसके कारण एनिमी के ऊपर एक भी गोली कनेक्ट नहीं होता है। कम से कम बॉडी शॉट भी लग जाए वो भी नहीं लगता है, सारा गोली रिकॉइल हो जाता है। जैसे कि AK, इसमें एक्यूरेसी 41 का है इसीलिए रिकॉइल ज्यादा होता है। एंड उसी का कंपैरिजन में M4A1 को देख लो, एक्यूरेसी 55 का है इसीलिए रिकॉइल नहीं होता है, समझ रहे हो? ठीक उसी तरह UMP एंड MP5, UMP में 42 का एक्यूरेसी है इसीलिए UMP भयानक रिकॉइल होता है एंड MP5 में 54 का एक्यूरेसी है इसीलिए कम रिकॉइल करता है। वहीं तुम ये दोनों मार्क्समैन राइफल को भी देख सकते हो, SVD में 51 का एक्यूरेसी है बट वुडपीकर में 69 का एक्यूरेसी है। तो जिस वीपन में एक्यूरेसी ज्यादा होगा ऑब्वियसली उस वीपन से हेडशॉट अच्छा लगेगा या फिर बॉडी शॉट भी अच्छा लगेगा, तो इसीलिए ज्यादा एक्यूरेसी वाला वीपन को यूज करना चाहिए। तो ये 5 ट्रिक को फॉलो करो, जीरो रिकॉइल होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा देन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अगर तुम आईफोन या एंड्रॉइड यूजर हो देन इस वीडियो को जरूर देखना। ओके बाय बाय।